क्या आपका भी स्टेमिना बहुत ज्यादा लो हो गया है कि आप संबंध बनाने की या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं और आपसे वो काम हो ही नहीं पाता, आपको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल लो फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये 5 गलतियां आप अपने डेली रूटीन में कर रहे हो, और अगर इनमें से एक भी गलती आप कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि कोई भी दवाई कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। अगर ये गलतियां रेगुलरली चलती रही तो किसी चीज का कोई फायदा आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए आपको इन गलतियों के बारे में जानना और उनको बंद करना, अवॉइड करना शुरू करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, सबसे पहली चीज जो लोग आजकल बहुत ज्यादा करते हैं, क्या जो कोलाज होते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उनको पीना रेगुलरली, महीने में एक आध बार इज नॉर्मल, लेकिन रेगुलरली। अभी कई लोगों को क्या होता है, बेड साइड पे ही रखे रहते हैं, कई लोगों के फ्रिजेस भरे हुए हैं इस चीज से, सुबह उठ के पीना ही पीना है। कई लोग क्या है, रेमेडियल तौर पे ले रहे हैं, कैसे कि गैस हो रही है, लिमका पी लो, गैस हो रही है। अब मैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये सब कुछ आपको नुकसान करता है अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में किया जाए तो इसीलिए अवॉइड करो बहुत एक्सेस में लेना। हाँ, एक आध बार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, आजकल ट्रेंड चल गया स्पाइसी फूड का, हर चीज में स्पाइस चाहिए, हर चीज में मसाले चाहिए, हर चीज में नींबू निचोड़ा होना चाहिए, तो खटास और मिर्ची हर चीज में चाहिए हर एक इंसान को, और मैं कह रही हूँ छोटे छोटे बच्चे तक, तो ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेही होती है। आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से कुछ भी दिक्कत हो जाती है, या कोई भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा कोई भी दिक्कत होती है आपको छोटी से बड़ी कुछ भी, तो आपको ये चीजें खाने को मना करते हैं, एक खट्टा और एक जो स्पाइसी वगैरह फूड होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको नुकसान कर रहा है, तो इसीलिए ऊपर से मिर्ची गिरना, खाने को लाल करके खाना, वो चीजें प्लीज छोड़ दीजिए, वो आपको अल्टीमेटली नुकसान कर रही है। अब कैसे नुकसान कर रही है, सीधा डाइजेशन जो है आपका, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ही वो वीक कर देगी, तो उसकी वजह से अब एक किसी भी पार्ट में आपकी बॉडी एक मशीनरी है, ठीक है, उस मशीन का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी हिल रहा है ना, तो अल्टीमेटली फर्क पूरे शरीर पे ही पड़ रहा है, तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है बहुत ज्यादा स्पाइसी या खट्टा फूड खाना। ओके, तीसरी चीज, जो कैंड ड्रिंक्स है या कैंड फूड है या पैक्ड फूड आइटम्स है उनको अवॉइड करो प्लीज। क्यों? क्योंकि जो कैंड, अब एक चीज है कि आपने सब्जी खरीदी, अगले दिन 2-4 दिन आपने उसको रखा घर में, ठीक है, तो उस पर फंगस लगने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, वो बेचारी मुरझा जाती है। तो आप ये सोचिए जो कैन के अंदर सब्जियां हैं, जो ड्राइड और वो जैसी भी फॉर्म में है, वो कैसे जिंदा है भाई, वो कैसे एक पैकेट के अंदर कुछ सब्जियों का मिक्सचर का कुछ बना हुआ है, आप उसको पानी में डाल रहे हो तो वो फूल कर सब्जी बन रहा है, कैसे हो रहा है वो, क्या प्रोसेसिंग है उसकी, क्या केमिकल्स है, क्या आपने उसके बारे में सोचा है? और वो जो केमिकल है ना, वो कोई भी आपको फायदा नहीं कर रहा है, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल है, लेकिन वो ग्रीनरी आपके शरीर को 1% भी फायदा नहीं करेगी सब्जी वाला, तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है कैंड और जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनको कंज्यूम करना। कई लोग बहुत ज्यादा जूसेस, पहले मैं जूस के बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज के लिए कि जूस समझते हो आप उसको, लेकिन नहीं, कैसे वो इतने सस्ते में इतना जूस, और मतलब कि इतने दिन रह पा रहा है। आप मौसमी का जूस खरीदिए या खुद घर में बनाइए, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पिया नहीं जाएगा, वो इतना कड़वा हो जाएगा, लेकिन मार्केट में आपको अवेलेबल है बॉटल, तो कैसे है? वो चीजें आपको नुकसान कर रही हैं, क्योंकि वो केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से भरपूर है, तो इसलिए वो चीजें आपको नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज है आपका धूम्रपान, और ये सबसे बड़ी चीज है इस चीज को लेकर के। जी बिल्कुल, जो धूम्रपान होता है उसमें ये तो जरूर लिखा होता है कि ये फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, जो भी आप डिब्बिया खरीदते हैं अपनी सो कॉल्ड, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता कि वो आपके ब्रेन के लिए भी असरदार है, आप उस पर भी नुकसान कर सकता है, आपके डाइजेशन पे भी नुकसान कर सकता है, उसके साथ साथ आपके संबंध बनाने से जुड़ी जिंदगी पे भी नुकसान कर सकता है। आपको इतनी दिक्कत हो सकती है कि आपका पार्ट जो है वो पोजिशन में ही ना आए, आप कर ही ना पाए कभी भी, ठीक है, बच्चे पैदा ना हो, तो हर एक चीज पर असर डालती है आपका धूम्रपान। तो इसीलिए अगर आप वो कर रहे हैं तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, उसको बंद कर दीजिए, कहीं भी फायदा नहीं करने वाली है वो कहीं भी, ठीक है। उसके बाद अगली और लास्ट चीज है आपका शराब का सेवन। सब इसके बारे में जानते हैं लेकिन सोचते नहीं है, पीने के बाद सब ये सोचते हैं कि अगली बार कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर
आप उस हैबिट को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप जो डॉक्टर्स हैं उनसे जाके मिलिए। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को छोड़ने के। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई तरीका ही नहीं आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, कृपया इनको अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपकी जो फिजीक है वो अच्छा रहे, आप जो है अच्छे से अपनी रिलेशनशिप को, अपनी संबंध बनाने से जुड़ी हुई जिंदगी को भी एंजॉय कर सके, आपका जो स्टैमिना है वो भरपूर रहे, तो आपको ये चीजें करनी जरूरी है।